हेलो एवरीवन, आई होप कि तुसी सारे वधिया होवोंगे। तो मैं तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पाथ टू श्योर सक्सैस ते स्वागत करती हाँ। अज की वीडियो दे विच राजे आपां गल करांगे जो थर्ड समेस्टर है इंग्लिश दा बीए दा, उसका जो नैक्सट पोम है, आपां लास्ट जो पोम कीती सी उस तो बाद हुण सैकेंड पोम स्टार्ट करन जा रहे हाँ, जिसका नाम है मनी मैडनेस। मनी मैडनेस जो पोम है किसने लिखी है जी, डी एच लॉरेंस द्वारा लिखी गई है, जिसका फुल नेम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। 1885 तो 1930 ईस्वी तक का इसका जो टाइम पीरियड सी, ये 20th सेंचुरी के लीडिंग राइटर चों सी, उस टाइम बहुत फेमस सी, नॉवलिस्ट सी, शॉर्ट स्टोरी राइटर सी, पोइट सी, ते एसेस्ट भी सी। जो लॉरेंस है इन्हें जो अपनी पोइम्स लिखिया ने मेनली वह ज़्यादातर उस जो पोइम्स ने वो बैंड ने, जे आप गल करिए जो ये नॉवल्स ने, जिस तरह लेडी चैटरली स्लवर जो इसका नॉवल है वह हजे तक भी इंडिया के बैन है। इसका रीज़न की है कि उस जो सैक्चुअल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, जिस करके बाकी कंट्रीज़ के बाद उसनों जो सी रिलीज़ कर दिता गया सी, पर इंडिया के इस नॉवल नूं हजे भी जो है बैन रखा गया है। इस तो बिना होर भी इस दे नॉवल सन जिन्हां उत्ते बैन है जो पहला लगाया गया सी, पर हौली हौली उसका सी उन्हां नूं रिलीज़ कर दिता गया सी। पर लेडी चैटरली स्लवर है जो वह हजे तक भी इंडिया के बैन है। इसनों बहुत ज़्यादा पबलिसाइज़ आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ भी किया गया सी इस दे वर्क्स दे लई, क्योंकि उस दे विच सेक्चुअल एक्टिविटीज़ नूं ज़्यादा दिखाया गया सी। इस तो बिना आप गल करिए इसने पोम्स भी लिखिया ने, पोम्स दे विच इसने उस टाइम किद्दां दा माहौल सी उन्हां सारियां चीज़ां नूं डिस्क्राइब किया गया है। हुण आप गल करते हाँ जी अपनी अज की पोम जो है मनी मैडनेस। मनी का अर्थ अपन पता होंदा जी पैसा, मैडनेस होंदा पैसे के पिछे पागल होना। तो इस दसन की कोशिश की है कि अज के टाइम जो लोग ने वो सिर्फ पैसे दे हो के रह गए ने, जो मनुख है उसका एक दूजे मनुख के प्रति जो भावनावान ने वो खत्म होंदिया जा रही ने। सिर्फ मनुख दे विच एक चीज़ ही रह गई है, मनी दे लई प्यार, मनी दे लई मैडनेस, ते इस दे लई उन्हां लोकां प्रति जो हमदर्दी है, जो इमोशनल उन्हां दी अटैचमेंट है, वो हौली हौली खत्म ही होंदी जा रही है। लोग एक दूजे के पिछे लग के एक दूजे नूं देख के कि किसी ने किन्ना वड्डा घर बना लिया है, पैसे नूं किसी ना किसी तरीके नाल पाउणा चाहुंदे हन। तो इस चीज़ नूं मनी मैडनेस नूं डी एच लॉरेंस ने लिखा है। तो जी आप स्टार्ट करते हाँ फस्ट स्टैंजा तो। फस्ट स्टैंजा दे विच वो किस तरह जो है डिस्क्राइब कर रहा है। फस्ट है जी मनी इज़ आर मैडनेस, आर वास्ट कलैक्टिव मैडनेस। इस डी एन लॉरेंस कहता है जो मनी है पैसा है वो अपना पागलपन है, आर वास्ट कलैक्टिव मैडनेस। वास्ट कलैक्टिव का अर्थ है कि कोई कल्ला एक व्यक्ति इस पिछे पागल नहीं है, पूरी दुनिया, पूरा ग्रुप, जिन्हें भी लोग हैं वो पैसे के पिछे पागल हैं। एंड ऑफ कोर्स वो कहता ये सच है, इफ़ द मल्टीट्यूड इज़ मैड, जे एक ग्रुप लोगों का जो पैसे के पिछे पागल होगा, मल्टीट्यूड होंगे जी ग्रुप ऑफ पीपल, जे 10-15 लोग पैसे के पिछे, ग्रुप ऑफ पीपल पैसे के पिछे पागल हैं। द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इनसैनिटी अराउंड विद हिम। तो इसका कहना है कि जो ज़्यादा लोग पागल हैं तो जो इंडिविजुअल आ जाते हैं उन्होंने थोड़े थोड़े जो पागलपन के अपन सिमटम्स ने वो तो जरूर देखने मिलेंगे। नैक्सट लाइन के कहता है जी आई डाउट, मैनू शक है, इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विदाउट अ पैंग। पैंग होंदा है जी बिना दुख दे। इस दे विच उह कह रहा है कि आप देखते हैं कि कोई भी मनुख जेकर एक पाउंड नोट नू यूज़ करेगा, खर्च करेगा, तो उसनू बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, विदाउट अ पैंग। एंड अ रियल टर्मोर इफ ही हैंड्स आउट अ 10 pound नोट। पर ज़्यादा दुख उसनू कदों होंदा है जदों वो जो 10 pound का नोट है उसनू खर्च करेगा, तो उसनू ज़्यादा जो दुख होंदा है पैंदा है। तो इस दे विच जो कवि है वह कि चीज़ नू दसना चाहुंदा है कि अज के टाइम विच पैसे के प्रति लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, तो जे उसनू उस विच थोड़ा भी किसी डोनेट करना पवे जां किसी नू देना पवे तो उसनू इसका बहुत ज़्यादा दुख है जो
लगता है। तो यह जी इसका फस्ट पैसेज जिस दे विचों अपना क्वेश्चन आता है वास्ट कलैक्टिव मैडनेस। वास्ट कलैक्टिव मैडनेस की होंगी है कि ग्रुप ऑफ पीपल। इस मेनली आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करांगे कि कल्ला इंडिविजुअल एक बंदा ही पैसे के पिछे पागल नहीं है, पूरी दुनिया पूरे ग्रुप जो लोगों के हैं वो सारे पैसे के पिछे पागल हैं कलैक्टिवली। नैक्सट स्टेंजा से आप गल करते हैं राजे जिस जो स्टार्टिंग दे वी क्वेल मनी, मनी मेक्स अस क्वेल। इसका अर्थ होंगे जी क्वेल का अर्थ होंगे घबराना, असी घबराने हाँ, मनी सानू घबराने के लिए जो पैसा है मजबूर कर देता है। इट हैज़ गॉट अस डाउन, गॉट अस डाउन का अर्थ होंगे पैसा आपां नू बहुत ज़्यादा कमजोर बना देता है। वी ग्रावल बिफोर इट, ग्रावल होंगे नक् रगड़ना, असी पैसे के सामने नक् रगड़ लई मजबूर हो जाने हाँ। इट इन स्ट्रेंज टैर, साढ़े बच्चे एक अजीब जहा डर पैदा होंगे कि पता नहीं जेकर साढ़े को पैसा नहीं होगा तो साढ़े नाल की होगा, इसलिए असं किसी ना किसी तरह जो पैसा है उसनों लेना चाहते हाँ। एंड नो वंडर, इस कोई हैरानी वाली गल नहीं है, फॉर मनी हैज़ अ फीयरफुल क्रूअल पावर अमंग मैन, पैसे दे विच बहुत ताकत है। सारे जिस भी परसन को पैसे हैं उसनों आप सोसायटी देखते हैं कि ज़्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है, तो इस दे विच वो कहना चाहता है कि अजकल लोग पैसे नू है जो प्राप्त करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके नाल वो पैसा है जो जरूर बनाना चाहते हैं। बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरीफाइड ऑफ। नैक्सट लाइन के विच वो कहता है कि पैसा नहीं है जिस तो असी डरे हुए हाँ, इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरीफाइड ऑफ, इट इज़ द कलैक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड। तो इस दे विच कवि कहता है कि ये लोगों का पागलपन है जो पैसे के पिछे है, जिसनों देख के सानू भी लगता है कि जो इंडिविजुअल्स ने कि साढ़े को भी पैसा होना चाहिए है, क्योंकि सारे लोग पैसे के पिछे हैं जो पागल बने जा रहे हैं। फॉर मैनकाइंड सेज विद वन वॉइस, तो कवि कहता है कि एक आवाज़ दे विच ओ है जो गल नू कहना चाहता है, हाउ मच इज़ ही वर्थ, कि जो पैसा है गल करते हैं कि इसकी किन्नी कीमत है पैसे की। हैज़ ही नो मनी दैन लैट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, वो कहता है कि जे किसी को पैसे नहीं होंगे तो लोग उसनू पुछ उसकी कोई पुछ पड़ताल नहीं होंगी, तो लोग कहते हैं दैन लैट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, अजिहे व्यक्ति को जाना पसंद नहीं करते, तो जेकर वह व्यक्ति को पैसे नहीं है उस को खाने लिए कुछ नहीं है तो वह कहते हैं कि लैट हिम डाई, कि इसनों मरण दो, इसनों भुख के नाल ही जो है मरण दो। जी हुण आपां नैक्सट स्टैंजा, एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटल ब्रैड सो आई डू नॉट डाई। इस दे विच कवि कहता है कि जो जेकर मेरे को पैसे नहीं हैं दे विल गिव मी अ लिटल ब्रैड, तो वह मैं थोड़ा जहा ब्रैड तो खाने लिए देंगे, सो आई डू नॉट डाई, तो कि मैं मर ना जावा। तो इसका कहना अर्थ है कि लोग मैं मरण तो नहीं देंगे, मैं ब्रैड या रोटी जरूर दे देंगे खाने के लिए जेकर मेरे को पैसे नहीं होंगे। बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विद इट, डर्ट का अर्थ इतने जो लिया गया है पोम के वो है जी, जैसे आप देखते हैं कि अगर आप किसी की हैल्प करी वही कोई करता है तो उसनों कई बार खरिया खोटिया गल् भी सुना दिता है, उसका अपमान भी करना पैंता है, तो वह कहें अपमान भी उसली के करते हैं, तो वह कहते हैं कि वह मेरी हैल्प तो कर देंगे पर मैं गल् जरूर सुनाएंगे। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट, मैं जो है लोगों तो अपमान सहना पवेगा, चाहे मेरी कोई गलती नहीं होगी पर मैं एक गंदगी है जो जरूर खानी पवेगी। इफ आई हैव नो मनी, जेकर मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो इतने वो दसना चाहता है कि पैसे की इंपोर्टेंस बहुत है, जेकर तुहाडे कोल पैसा नहीं लोग तुहाडी हैल्प करेंगे तां वी ओह किसे किसे तरीके नाल तुहानू वो चीज़ सुनाएंगे जरूर। इट इज़ दैट दैट आई एम फ्राइटनड ऑफ, वो कहिंदा यही चीज़ है एक अपमान है दी भावना है जिस तो मैं बहुत डरिया होया हाँ। एंड दैट फीयर कैन बिकम अ डेलीरियम, ये जो डर है मेरे मन के अंदर मैनू इदा लगता है कि जो भरम है कितने मैं इस दुनिया तो दूर ही ना कर दे। इट इज़ फीयर ऑफ माई मनी मैड फैलोमैन, कहता है जिस तरह मेरे मन के जो एक डर है ये मेरे जो फ्रेंड्स ने मेरे साथी ने उन्होंने मन में भी इस तरह का है कि जेकर उन्होंने को पैसा नहीं होगा, क्योंकि अजक सोसायटी के अपने पैसे के जज से ही बेसते ही जज किया जाता है, तो वह कहता है कि इस तरह लगता है कि लोग ने जो फिर वो सानू उन्नी इंपोर्टेंस नहीं देंगे। नैक्सट स्टैंजा दे विच गल करता है जी वी मस्ट हैव सम मनी, साढ़े को पैसा जरूर होना चाहिए है टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, ताकि जो डर्ट है लोगों का अपमान ना सहना पवे।
एंड दिस इज़ ऑल रोंग, पर वो कहते ये चीज़ भी गलत है जो लोग पैसे के पिछे पागल हो रहे हैं। ब्रैड शुड बी फ्री, खाना फ्री होना चाहिए है, रहने लिये घर फ्री होना चाहिए है, फायर शुड बी फ्री, फ्री होनी चाहिए है, सारे लिए ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार दे विच जो लोग ने उन्हां लिए जो चीज़ा ने, जिस तरह रोटी है, मकान है, जो उन्होंने रोटी बनाने लिए अग चाहिए है, वह सारे लिए फ्री होनी चाहिए है, ताकि गरीब लोग ने जो उन्होंने अमीर के हथों जो अपमान है वह सहन ना करना पवे। लास्ट स्टेंज है जी, वी मस्ट रीगेन आर सैनिटी अबाउट मनी। सैनिटी होंगे अपना दिमाग, अपनी बुद्धि। तो इतने जो पोइट है वह कहता है कि वी मस्ट रीगेन, दोबारा अपन दोबारा प्राप्त करनी चाहिए है अपनी बुद्धि, कैसे रिगार्डिंग पैसे दे, क्योंकि अपना जो दिमाग है वह पैसे के पिछे खराब हो गया है। तो अपन सोझी लियानी चाहिए है कि जो असी कर रहे हाँ पैसे के पिछे पागल हाँ वह सही है या नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इस तो पहला कि असी एक दूजे लोगों पैसे के पिछे मारना स्टार्ट कर दीए, सानू थोड़ी जी अपनी सोझी है जो वापस लेके आनी चाहिए है, तो पैसे के पिछे जो पागलपन है वह छड देना चाहिए है। इट इज़ वन थिंग और द अदर, तो वह कहता है कि एक चीज़ ही होगी, जी बुद्धि वापस आएगी, जी एक दूजे को मारना है जो स्टार्ट कर देवे। तो इस पोम के जो मेन गल की गई है पैसे के पिछे लोगों की भज दौड़ दिखाया गया कि किस तरह लोगों का ऑब्सैशन है पैसे के पिछे, वो पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी देखते हैं कि गरीब लोगों को उन्नी इंपोर्टेंस नहीं दी जाती जिन्ना कि अमीर लोगों को दी जाती है, तो उन्होंने अपमान भी सहन करना पैदा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो पैसा है वह सारे को होना चाहिए है, इक्वली होना चाहिए है, ताकि गरीब लोग भी अमीर के वांगू जो अपनी जिंदगी है उसनों बतीत कर सकन। तो हम जी नैक्सट आप करांगे जो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो रेफरेंस टू द कॉन्टैक्सट है, तो इसका जो PDF है क्वेश्चन का तुम मेरे टैलीग्राम ग्रुप के मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह तुम देख सकते हो कि 15-20 क्वेश्चन बनते हैं जो तुम पेपर के आने, तो मैं 4-5 क्वेश्चन ही बनाए हुए ने इस उस लिखा हुआ है कि जिमें 3 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन आंसर बना के दिता हुआ है, तो वो तुम नैक्सट देख लोगे, तो PDF इसका टैलीग्राम ग्रुप के लै। फस्ट जी जो पोम के अपन रैफरेंस टू द कॉन्टैक्सट आता है, तो अपन एक स्टैंजा दिता गया होगा 4-5 लाइनस, तो पहले आप रैफरेंस टू द कॉन्टैक्सट लिखा। रैफरेंस होंगे कॉन्टैक्सट होंगे जी, जो अपन लाइनस दिखाई गई ने पोइम दो लाइनस होंगे ने, तो वो कॉन्टैक्सट है, आप उसका रैफरेंस देना है कि वह लाइनस कितों लिया गई ने, किस राइटर दिया ने। तो इस दिन आप लिखा दीज लाइनस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम मनी मैडनेस, किने लिखी है DH लॉरेंस ने। This poem is a bitter criticism of the modern consumerist world that is based on material wealth. आज के टाइम के जो मटीरियल वैल्थ है पैसे के पिछे जो लोगों की भज दौड़ है उसका आलोचना की गई है, एंड मनी लई, एंड दे आर विलिंग टू सैक्रीफाइस देयर ह्यूमन वैल्यूज़, जो लोग ने पैसे के पिछे अपने जो मनुखी वैल्यूज़ ने उन्हों का जो है उन्होंने सैक्रीफाइस करने के तुले हुए ने, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह पैसे नू प्राप्त कर सकन। नैक्सट जी आप एक्सप्लेनेशन लिखांगे, इन दिस पोम या इन दीज लाइनस आप लिख सकते हैं द पोइट सेज दैट, तो उस तो बाद जो भी लाइनस आपां दित्तियां ने इत्थे आपां उन्हां नू एक्सप्लेन कर देना है। बहुत ही ईजी पोम है, तुसीं एक या दो बार इस वीडियो नू देख लेना है, तो तुसीं इस नू आराम नाल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वह कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन वास्ट कलैक्टिव मैडनेस। अगर जेकर तुम आ वट इज़ वास्ट कलैक्टिव मैडनेस, दोनों जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए इसका आंसर जो तुम देना है वो लिखा हुआ जी। द पोइट सेज दैट ग्रीड फॉर मनी हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ मैडनेस विद अस, जो पैसे लिए लालच है अपना वो अपने लिए एक पागलपन बन चुका है। इट इज़ नॉट अ सिंपल मैडनेस ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, सिर्फ थोड़े जे लोग ही पैसे पिछे पागल नहीं हैं। इट इज़ अ वास्ट कलैक्टिव मैडनेस, वास्ट कलैक्टिव मीनस बहुत ज़्यादा लोग ने जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो पैसे के पिछे पागल हैं। दैट हैज़ ओवरटेकन ऑल ऑफ अस, आप सारे इस दे पिछे पागल हाँ। इन सिंपल लैंगुएज, सौखी लैंगुएज दे विच आपां की कह सकते हैं, एन इंटायर सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बिकम ऑबसैसड बाय द परस्यू ऑफ वैल्थ, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वह सारे पैसे के पिछे ने जो पागल हैं। द पोइट फील्स दैट नो मैन हैंड्स आउट इवन अ 1 pound नोट, को के जो लोग ने वो 1 pound का नोट भी विदाउट अ पैंग इन हिज हार्ट, वो कहता है कि
ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਪੌਂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਓ ਕੈਨ ਦਾ ਫੀਅਰ ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ ਟਰਨ ਇਨ ਟੂ ਅ ਡੈਲੀਰੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਲੀਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਮਾਇੰਡ ਦੀ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜਲੀ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫੀਅਰ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਫੀਅਰ ਮੇਡ ਅਸ ਮੈਡ ਫੋਰ ਮਨੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੋਮ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੀਪ ਆਵਰ ਮਨੀ ਮੈਡਨੈਸ ਐਂਡ ਜੈਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਪੀਸਫੁੱਲ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਵੀ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪੀਸਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਨੀ ਮੈਡਨੈਸ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁੱਲ ਲਾਈਫ ਕਾਂਟ ਗੋ ਟੁਗੈਦਰ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਡਨੈਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੋਇਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੀ ਬਹੁਤ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਦਾ ਬੀ ਆਲ ਐਂਡ ਐਂਡ ਆਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਾਇਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਕਮਸ ਮੈਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮਨੀ, ਔਰ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਵਾਸਟ ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਡਨੈਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਫ ਦੇ ਗਿਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਡੂ ਕੌਨਸੈਂਡਿੰਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਆਰ ਕਰੇਜ਼ ਫੋਰ ਮਨੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਨ ਇਨ ਟੂ ਮਰਡਰਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੇਕ ਦੈਮ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਈਟਿੰਗ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟ ਡਰਟ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੋਇਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਕੇਅਰ ਫੋਰ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ, ਲਵ ਹੈ, ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਮਨੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੂਇਨ ਆਵਰਸ ਟੂ ਗੋਟ ਮੈਡ ਟੂ ਗੋ ਮੈਡ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੇਸ ਮਨੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਪੋਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਂਜਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲਾਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ PDF ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।